बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभहरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेराज सुना, तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करो प्रणाम, पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की। बस्तर वीख के भूखन वीख के सकलांग वीख साज जी, ए वीख नख सिख जीव को भेदियो सो क्यों छूटे बिना श्री राज जी, सो क्यों छूटे बिना श्री राज जी। जोर कर तुम जागो जीव जी, प्रीतम अक्षरातीत ने प्रकाश के इस प्रकरण में इस सत्य को दर्शाया है कि यह सारा संसार विष से भरा है। विष किसको कहते हैं? जिसके सेवन से मृत्यु को प्राप्त हुआ जाए। मरना किसको कहते हैं? कौन मरता है? मरता तो शरीर है, पैदा भी होता है शरीर है। न हम मरते हैं न कभी पैदा होते हैं, न जायते मृते वा विवस्थित। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चैतन्य है अजो नित्य सहस्तो एवं पुराणा, शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन यह नष्ट नहीं होगा। हर प्राणी शरीर का जब वियोग देखता है तो कहता है कि यह तो मर गया। शरीर धारण कर लिया तो कहता है कि यह तो जन्म ले लिया। विष जीवन का नाश करता है। हम कभी स्थूल शरीर के अस्तित्व को जीवन मानते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि सूक्ष्म और कारण शरीर का भी जीवन होता है। लेकिन जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को हटा दिया जाए तो अनंत जीवन की बात आती है। जीवन का अस्तित्व चेतनता से होता है। हमारे इस जड़ शरीर में चेतन जीव का प्रवेश होता है तो ये जीव क्रियाशील होता है। हमारा मन क्रियाशील होता है, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियों में सारी चेतना रहती है। इस जीव को निकाल दीजिए या इस जीव को मन से अलग कर दीजिए तो मन तो एक प्राकृतिक द्रव्य है। मन को जो अच्छा लगता है तो हम क्या मानते हैं कि हमें बहुत सुख मिल रहा है। सुख और दुख की परिभाषा भी संसार ने विचित्र बना रखी है। पीछे तक आवाज जा रही है? पीछे तक जा रही है? जो हमारे मन को अच्छा लगता है वह सुख है और जो मन को अच्छा ना लगे वो दुख है। हमारी मन की इच्छाओं की तृप्ति हो जाए तो हम क्या कहते हैं? हम तो बहुत सुखी हैं। लेकिन हम भूल यही इससे कर देते हैं, जो हमारे मन को अच्छा लगता है अज्ञानता के वशीभूत। क्योंकि यह विवेक दृष्टि होना कि कौन हमारे लिए लाभकारी है, कौन हमारे लिए कल्याणकारी और हानिकारक है, यह बिना विवेक के समझ में नहीं आता। जैसे आपको किसी स्वादिष्ट मिठाई का सेवन कराया जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके मुंह के पास से मिठाई छीन ली जाए तो आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं
कि मिठाई खाने से जितना सुख आपको मिल सकता है, मिठाई के त्याग से उससे 16 गुना सुख प्राप्त होगा। व्यास भाष्य में व्यास जी कहते हैं कि तृष्णा क्षयात न रहते षोडशी कलम, तृष्णा के क्षय से तृष्णा के भोग का 16 गुना अधिक सुख प्राप्त होता है। लेकिन संसार तृष्णा के सुख को ही तो अमृत मान रहा है। सारे संसार के दुखों का कारण क्या है? तृष्णाओं के पीछे भागना, लोकेष्णा, संसार में प्रतिष्ठा हो जाए, वित्तेष्णा, अत्यधिक धन मिल जाए, दारेष्णा, संगे संबंधियों का संबंध, इन तीन के चक्र में सारा मानव जीवन अपने को भुला हुआ है। वह स्वयं को नहीं जानता कि वो वास्तव में क्या है। आप अपनी आंख के आगे एक रुई का टुकड़ा रख दीजिए, प्रकाश हिंदुस्तानी में इस तथ्य को दर्शाया गया है। आप हिमालय के सामने खड़े हो जाइए तो आपको हिमालय पर्वत नहीं दिखाई देगा। वो रुई का फुआ क्या है? वो मन है। जिसने आपके चेतन को इस तरह से ढक कर रखा है कि मन से जो सुख प्राप्त होता है उसी को जीव मानने लगता है कि ये मेरा सुख है, जबकि वही सुख की तृष्णा उसको दुखों में ढकेलती है। जैसे काला सर्प यदि किसी को काटता है तो क्या परिणाम होगा? एक शरीर मर जाएगा, लेकिन विषय के सुख की तृष्णा का संस्कार उसको यदि बाधित किए हुए है। विषय का सुख कैसा होता है कि उसके बिना रहा नहीं जाता। जितना उस विषय का सुख लेगा उसकी कामना और बढ़ती जाएगी। पहले दिन किसी नए व्यक्ति को शराब पिलाइए तो छोटे से एक गिलास के चौथे हिस्से से उसको परेशानी होगी, मुंह बिचकाएगा। दूसरे दिन थोड़ा बढ़िया से पी लेगा, तीसरे दिन हो सकता है आधा गिलास पी ले, और एक दो महीने के बाद तो लगेगा कि एक दो गिलास भी उसको कम पड़ रहा है। हर विषय की यही प्रवृत्ति है, चाहे काम का विषय हो, लोभ का विषय हो। पांचों इंद्रियों से मन जो है सुखों का भोग कर रहा है। प्रकृति के सुखों को पाकर वो स्वयं को तृप्त मानता है, लेकिन तृप्ति मिलती नहीं। आज आप किसी के प्रकृति के विषय जनित सुख का आनंद लीजिए, कुछ समय के लिए मन उब जाएगा, क्योंकि कोई भी सुख अस्थाई शांति देने वाला नहीं होता है। उस दिन इच्छा भर जाएगी, अगले दिन पहले दिन से ज़्यादा इच्छा प्रबल बनकर के उभरेगी। यदि विवेक की तलवार से आपने उस इच्छा को नहीं हटाया तो यह इच्छा दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, लगेगा कि इसके बिना मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगा। अफीम जी को यदि अफीम से वंचित कर दिया जाए तो लगेगा कि मैं प्राण छोड़ दूंगा। वही सारा संसार एक ऐसी अफीम की नशे की गोली खा रहा है, यदि उसको विशेष सुखों से अलग किया जाए तो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन यही विशेष सुख उसको 84 लाख योनियों में भटकाते हैं। इसलिए एक मनीषी ने कहा है, दोषेण तीब्रो विषय कृष्ण सर्प विषाद भी, काले सर्प के बीच से भी विषय का विष ज़्यादा भयंकर होता है। विषम निहंत भोक्तारम दृष्टारम चक्षा अपियम, विषय का विष तो सर्प का विष तो जिसको काटा जाता है, काटता है सर्प उसी को नष्ट करता है, लेकिन विषय का विष तो देखने वाले को भी पीड़ित करता है। जैसे कोई शराबी है, शराबी को छोड़ दीजिए, किसी को तम्बाकू खाने की आदत हो और उसके सामने आप तम्बाकू बनाकर खाइए, उसको न दीजिए, देखिए बेचारा तड़प जाएगा, उसको रहा नहीं जाएगा। तम्बाकू जिसमें कोई स्वाद नहीं है कितना पागल कर देता है। 6 फीट के आदमी को एक चुटकी भर तम्बाकू ने व्याकुल कर दिया। तो आप सोचिए शब्द, मधुर शब्द का आकर्षण कितना होगा, स्पर्श का आकर्षण कितना होगा, रूप का आकर्षण कितना होगा, गंध का आकर्षण कितना होगा। एक कवि ने कहा है, पतंग मतंग कुरंग भृंग मीना हता पंचभी ओ पंचा, एक को प्रमादी कथम नहनते यह पंचभी ओ पंचा। भौरे को कितनी बार मरना पड़े, यदि एक जीव को 100 जन्मों में भौरा ही की योनि मिले तो 100 जन्मों में अपने गंध की जो तृष्णा है उसको छोड़ नहीं पाएगा। हिरण यदि 1000 जन्म भी, एक ही जीव 1000 बार हिरण की जन्म में ले तो वो कर्ण के विषय से रहित नहीं हो सकता, न हाथी स्पर्श के सुख से,
कारण क्या है? इनमें विवेक शक्ति नहीं है। केवल हमें यह शक्ति मिली है कि हम विवेक कर सकते हैं कि जिस विषय सुख को हम पा रखकर आनंदित हो रहे हैं, क्या वास्तव में वह हमारे सुख का कारण है? सुख और आनंद में क्या अंतर है? सुख अंतःकरण का विषय है, इंद्रियों का विषय है, और आनंद आपकी आत्मा का विषय है, चेतनता का विषय है। स्वादिष्ट मिठाई खाने से आपके मन को सुख होगा, लेकिन स्वादिष्ट मिठाई का त्याग करके आप समाधिस्थ हो गए। मिठाई सामने है, आप देख भी नहीं रहे हैं, देखते हुए भी अनदेखी कर दे रहे हैं। ध्यान में बैठकर अपने निज स्वरूप को देखेंगे तो आपको अनंत आनंद होगा। और विवेक से यदि समाधि अवस्था प्राप्त नहीं हुई, केवल विवेक से परित्याग कर देंगे तो मिठाई खाने के सुख का 16 गुना प्राप्त आनंद प्राप्त होगा। किंतु यदि विवेक भी नहीं है, समाधिस्थ अवस्था भी प्राप्त नहीं है, तो मिठाई के लिए आप व्याकुल होते फिरेंगे। शराबियों को देखिए, जब शराब नहीं मिलती तो पत्नी के गहने बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, लेकिन शराब चाहिए। शराब में क्या है? कड़वापन है, कोई स्वाद नहीं, शरीर में कोई पौष्टिकता नहीं दे सकती, लेकिन संसार शराब के पीछे पागल है, अफीम के पीछे पागल है, जिसमें कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं। ना सुख है ना आनंद है, दोनों बातें। आनंद किसमें मिलेगा? आनंद गुण केवल परमात्मा का है, परमात्मा के अतिरिक्त इस प्रकृति में कहीं भी आनंद नहीं है। फिर भी देखिए, एक चक्रवर्ती सम्राट अपने खजाने को और बढ़ाना चाहता है। गृहस्थी की तो बात छोड़िए, साधु महात्मा भी अपने आश्रमों में सुख सुविधा और बढ़ाना चाहते हैं। गृहस्थी भी एक से एक संसाधन जुटाता है, किसके लिए? कि हमारे मन को अच्छा लगे। इसीलिए कहते हैं कि वस्त्र विष के, भूखंड विष के। विष का तात्पर्य क्या? जिससे हम मर जाएं। मरने का तात्पर्य क्या है? हमारे अस्तित्व का समापन हो जाए, चाहे स्थूल शरीर का चाहे सूक्ष्म शरीर का। लेकिन हम स्थूल शरीर को अपना जीवन मान बैठे हैं, यही हमारी एक भ्रांति है। हम तो तब भी थे शायद जब ये पृथ्वी नहीं थी, क्या हमने कभी सोचा है? हम अपना अस्तित्व कब से मानते हैं? जब हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो सोचते हैं कि अब हम हैं। ये भी सोच लेते हैं कि क्या मैं मर जाऊंगा, क्या मरने के बाद मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि हम ये सोच लें कि हम जन्म से भी परे हैं, मृत्यु से भी परे हैं, तो शायद हम तृष्णा से भी परे हो जाएंगे। लेकिन जन्म और मृत्यु का चक्र हमें बाधित किए रहता है। क्यों? क्योंकि तृष्णा के संस्कार हमारे अंदर बसे रहते हैं। इसलिए इस प्रकरण में हमें जागने के लिए उद्बोधित किया गया है कि सो सो करके क्या करोगे। ये सारा संसार विष में है, विष का बना हुआ है। हमारा वस्त्र, हमारा आभूषण, जिसको हम बहुत खुश होते हैं, किसी को हीरे मोतियों का कोई हार दे दीजिए, सबको दिखाता पड़ेगा, देखो मेरे गले में हार कितना अच्छा लग रहा है। किसी को अच्छे कपड़े दिखा दीजिए, पहना दीजिए, वो भी खुश होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? संसार में जो कुछ दिख रहा है और जिसके पीछे हम आकर्षित हैं, वो हमारे मन के सुख का कारण है, हमारे निज स्वरूप के सुख का कारण नहीं है। क्योंकि वो विष है और उस विष के आकर्षण में फंस कर हम उसका सेवन करते जाते हैं। जैसे घृत एक रसायन है, मधु भी रसायन है, दोनों को सम मात्रा में मिला दीजिए तो विष बन जाता है, और उस विष का सेवन हो सकता है किसी के लिए घातक हो जाए। कम और अधिक मात्रा में मिलाएंगे तो बहुत बड़ी औषधि है, सम मात्रा में विष हो जाएगा। मेरे कहने का आशय क्या है? संसार जिसके पीछे भाग रहा है, जड़ प्रकृति के पीछे, वो दुख है, वो विष का कारण है। यानी संसार के भोगों के पीछे मनुष्य जितना भागेगा, उतना ही संसार के सुख की तृष्णा का संस्कार अपने अंदर जागृत करता जाएगा और परमात्मा से दूर होता जाएगा। धाम धनी ने वाणी में बार बार सावचेत किया है, लागोगे जो दुख तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख तो दुख तुमसे भागसी। हमारा निज सुख क्या है? हमारी आत्मा का सुख क्या है? जो प्रीतम से मिलता है। संसार का सुख क्या है? जो दृश्यमान है लेकिन वह वास्तव में है नहीं, हमने बना रखा है। एक बात देखिए, मैं पूछूं कि क्या सूरज है? सच है, सूरज है, मना नहीं कर सकते।
पृथ्वी है, हमारा शरीर है, हमारा नाम है, हम पैदा हुए हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि देखें तो सूरज पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। हमारा शरीर कभी पहले नहीं था, भविष्य में भी नहीं रहेगा। एक हम है और एक हमारा प्रीतम है, दोनों अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। और हमारे आनंद का जो मूल कारण है वो मात्र परम तत्व है, हमारी आत्मा का प्रीतम है। उससे नज़र हटाकर यदि हम संसार की तरफ देखते हैं, चाहे हम कितने भी मन को दिलासा देख लें कि क्या है, हम संसार में आसक्त थोड़े हैं, हम तो जल में रहते हुए कमल के फूल की तरह हैं, तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी आत्मा के हृदय मंदिर में आपके प्राणेश्वर की छवि नहीं बस जाए। तब तक आप कितना भी संतोष देते रहिए कि हम घर में रहकर भी घर से अलग हैं, ये वास्तव में सच नहीं होता। क्योंकि एक बात जरूर है, या घर में रहे या वन में रहे, आप वन में भी चले जाइए, तृष्णाओं ने यदि आपको दास बना रखा है, आपका मन उनके पीछे शांति की खोज में भटका फिरता है, सुख की कामना में भटका फिरता है, तो निश्चित रूप से आपने जल में उगने वाले कमल की तरह अपने को नहीं बनाया है। हाँ, जिसने इस शरीर के रहते रहते अपने हृदय मंदिर में प्रीतम की छवि को बसा लिया, साक्षात देख लिया, वो कह सकता है लगी वाली कुछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड व को हेरी ना। क्योंकि उसकी स्थिति क्या होती है, वो खेले प्रेमे पार पियासो देखन कुतन सागर में, उसका शरीर यहाँ चलता फिरता है लेकिन उसकी दृष्टि परम धाम की तरफ होती है। केवल हमने यदि कुछ ग्रंथ पढ़ लिए, कुछ सत्संग सुना लिया और हम घर में रहकर सुखों का उपभोग करते रहे और कहते हैं कि नहीं, हम तो जल में रहने वाले कमल के फूल की तरह हैं, हमारे ऊपर माया का असर नहीं पड़ता, तो हम कहीं ना कहीं धोखा दे रहे होते हैं। जोर कर जागृत होने का तर पर क्या है, जीव को कैसे जागृत करना है? जागने की बात सृष्टि के प्रारंभ काल से हो रही है कि जगो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य प्राणे उदयत, उठो जगो परम तत्व को प्राप्त करो। उठने का तात्पर्य क्या है, आलस्य की निद्रा का परित्याग करना। जैसे हमारी सुंदर साध की संख्या लगभग 40 लाख की है और किसी को कहिए कि भाई आप जाग गए हैं, तो कहेगा कि हमने तारतम्य लिए 40 साल हो गए, कोई कहेगा कि हम कई पीढ़ियों से सुंदर साथ हैं, हमको जगाने की क्या हो सकता है? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। आप स्वयं को तब तक जागृत नहीं कर सकते हैं जब तक आप कौन है ये न देख लें। केवल पढ़ने से नहीं होगा, आप देख लीजिए कि मेरी परात्मा का स्वरूप क्या है और मेरी आत्मा के अनाद प्रीतम का स्वरूप क्या है। आपका मूल स्वरूप, आपका मूल घर और आपके मूल प्रीतम की छवि जब तक आपके हृदय मंदिर में अंकित नहीं होती और संसार जब तक विष के समान नंग न लगने लगे, तब तक आपको ये दावा करने का अधिकार नहीं है क्योंकि हम जागृत हो गए। जागने के प्रसंग में यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी पहली चौपाई होती है, सुई ने सूते सु करो जी आ जहर जिमी माए जी। ये सारा संसार विष का है और विष के संसार में कल्पना कीजिए, आपको अरबोपति बना दिया गया, 56 व्यंजनों का सेवन आप कर रहे हैं। हमारे एक बहुत बुजुर्ग सुंदर साथ हैं दिल्ली में, उनसे जब मिलिए, जब थोड़े स्वस्थ थे, अब तो कहते हैं कि बहुत दुखी हूँ, उनका पहला कथन होता था मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे जैसा संसार में कोई सुखी नहीं है, मेरे बेटे पोतों के पास कितने करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, सच बात है, धन संपदा बहुमूल्य है। और सबको यही सुनाया करते थे बेचारे, भोले मन से कहते थे कि मैं ध्यान भी कर लेता हूँ राज्य का, सब सुख है मेरे पास, अपने सुखों का बखान करते। एक बार उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो कहने लगे कि मैं मर जाना चाहता हूँ, अब मैं बहुत दुखी हूँ। जो आत्मा का निज स्वरूप है उस पर न सुख का प्रभाव है न दुख का प्रभाव है। सुख और दुख तो मायाजन्य है, हमारा मन अपनी इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं कर पाता तो दुखी होता है। जैसे लोग आत्महत्या क्यों करते हैं,
यदि किसी व्यक्ति की बहुत अधिक बदनामी हो जाए तो सोचता है कि सब लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, मेरी बदनामी हो गई है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। किसी के धन का दिवालिया निकल जाता है तो सोचता है कि मेरा सारा धन लूट गया, मैं जिक्र क्या करूंगा, मैं मर जाऊं। अब बताइए, आप चोर नहीं हैं, आपको सारा समाज चोर कह रहा है तो आप दुखी हो रहे हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा कह दिया जाए कि सृष्टि में आप जैसा कोई धर्मात्मा नहीं, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है कि सचमुच मेरे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं, क्योंकि सारी दुनिया कह रही है। यह किसका बंधन है? आपके मन का बंधन है। मन के अनुकूल कहा गया तो आप बहुत खुश हो गए, क्योंकि संसार बहुत अच्छा है। देखिए, दुनिया मुझे इतनी याद कर रही है, मेरा शरीर नष्ट भी हो जाएगा, मेरा नाम नष्ट नहीं होगा। और यदि दुनिया आपको बुरी कहने लगे तो सोचते कि मैं कब मर जाऊं। यही तो है सुख और दुख। सुख और दुख को हमने सिर पर बांध रखा है। जब जागृत हो जाएंगे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो क्या होगा? यदि सारा संसार अच्छा कहने लगे कि सृष्टि में आप जैसा कोई हुआ नहीं, तो कोई खुशी नहीं, क्योंकि आप तो अपने स्वरूप में स्थित हैं। आप देख रहे हैं कि मैं उस अनंत सागर की प्रियतमा हूँ, जिस पर प्रशंसा का प्रभाव नहीं, जिस पर अच्छाई बुराई सुख दुख आदि द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं। और यदि आपको सारा संसार घृणा की भी दृष्टि से देख रहा है तो आपको ग्लानि नहीं होगी। आप ग्लानि से भी परे, प्रशंसा की खुशी से भी परे हो जाएंगे, तो समझ लीजिए आप स्वयं को जागृत कर लिए हैं। इसलिए श्री जी बार बार कह रहे हैं कि संसार में परमधाम की ब्रह्मात्मा आई है, स्वयं को इस खेल में पा रही है, लेकिन जिस दिन उसकी नज़र इस संसार से परे हट जाएगी, तभी वो समझेगी कि मेरा निज स्वरूप क्या है। क्या कहा है धनी ने? यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। हम संसार के सुखों को अपना सुख माने बैठेंगे तो हमारी जागनी क्या? इस याही सो आवे ही, याही सो ये सुन। परम धाम के सुखों की याद आए। परम धाम की याद का तात्पर्य क्या? प्रकृति में कुछ नहीं है, सारा प्रकृति में जो कुछ है वो मात्र तृष्णा है। तृष्णा क्या? सुखों की ऐसी प्रबल चाहना जो कभी पूरी ना हो। सवेरे मैंने वो कथन बताया था, सिर के बाल भले ही सफेद हो जाए, चेहरा झुर्रियों से भर जाए, मनुष्य लाठी लेकर चलने लगे, लेकिन तृष्णा ऐसी पिशाचनी है, वो हर पल युवा ही बनी रहती है। जितना सुखों का भोग करेंगे उतना ही जवान दिखती है। भोगते भोगते शरीर बूढ़ा हो जाता है, न जाने कितने जन्म बीत जाते हैं, और तृष्णा उसका पीछा करती रहती है। तृष्णा के सुख का जितना भोग किया, वो सोचता है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जिसने मांस न खाया हो, उसके सामने कोई मांस खाता है तो उल्टी हो जाती है। और जानते हैं मांस खाने वाले आजकल क्या करते हैं? मुझे तो पूरा पता नहीं, दूसरों के मुख से सुना है, जानवर के अंदर ही सब मसाले वसाले भर देते हैं, आग पर सेक लेते हैं और चाकू से काट काट कर खाते हैं। उससे भी तृप्ति नहीं हुई तो मनुष्य का मांस मनुष्य खाने लगा है। गर्भ के जन्मे हुए बच्चे को भी चीन के हांगकांग में और जापान के रेस्तरों में खाया जाता है। मनुष्य सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। उसको कहा जाए कि मनुष्य होकर तो मनुष्य का मांस खा रहे हो, तो कहेगा कि यही तो सुख है। श्री जी के कहने का तात्पर्य क्या है? संसार में जो कुछ दिख रहा है वो सुख नहीं है। तभी तो कपिल को कहना पड़ा, कुत्रापि कोऽपि न सुखी। इस सृष्टि में कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। एक राजा के पास एक महात्मा जी गए। महात्मा जी ने देखा कि मैं तो एक घास फूस की झोपड़ी में रहता हूँ, ये राजा कितना भाग्यशाली है, सोने के सिंहासन पर बैठता है, सोने के पलंग पर सोता है, और मैं टूटी फूटी खाट भी क्या है, पत्तों को बिछा करके सोता हूँ, भिक्षा में जो मिल जाता है मैं वही खा लेता हूँ, ये तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत सुखी है। राजा सोच रहा है कि ये महात्मा कितना सुखी है, न घर की चिंता न राज्य की चिंता, जो मिलता है खा लेता है बेचारा, दिन रात परमात्मा के ध्यान में रहता है। मैं तो सोने के सिंहासन पर बैठकर चिंतित रहता हूँ,
कि पता नहीं दूसरा राजा कब आक्रमण कर देगा, रात को मुझे नींद नहीं आती है। राजा सोच रहा है कि महात्मा सुखी, महात्मा सोच रहा है कि राजा सुखी, बेचारे दोनों ही अज्ञानता के वशीभूत थे। आपके पास सब कुछ आ गया, प्रियतम का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो आप शाश्वत आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। आप तो 20 के संसार में भ्रमण कर रहे हैं। संसार में आपने कितनी भी प्रतिष्ठा पाली, समझिए आपने 20 को पाया। संसार में आपकी विद्वता का डंका बच गया, आप शाब्दिक ज्ञान में केवल उलझे हैं, सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। आप 56 भोग भोग रहे हैं, कोमल सैया पर शोक शयन कर रहे हैं, आप ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठ गए हैं, सारे ब्रह्मांड में आपकी जय जयकार हो रही है, फिर भी आप कहीं ना कहीं विष का सेवन कर रहे हैं। जिस दिन आपको सारा संसार सारहीन लगने लगे, केवल प्रीतम और उसकी छवि दिखने लगे, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, जिसको योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय न एव पापम अवश्यस। तुम सुख में और दुख में, मान में अपमान में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में दृष्टा भाव से हो जाओ, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप हूँ। संसार से क्या मिल रहा है ये हमारा विषय नहीं है। निष्काम कर्मयोग का यहाँ से प्रारंभ होता है। एक गलत विचारधारा समाज में पैदा हो गई है, सृष्टि के प्रारंभ से वो विचारधारा वैसे चलती आ रही है। कहा जाता है कि योग किसको कहते हैं, समत्वम, समत्वम योग उच्चते, समत्व भाव में जीना। बुद्ध के शिष्यों ने इसका अर्थ निकाला कि शराब ज्यादा पीते हैं तो हानिकारक है, न पीते हैं तो कुछ आनंद नहीं आता, इसलिए मध्यम परिमाण में पी लेंगे कोई नुकसान नहीं। जैसे कोई भी विष है, सर्प का विष ज़्यादा परिमाण में आता है तो हमारे लिए हानिकारक होता है, और जाते हैं कैंसर जैसे रोग में कीमियोथेरेपी में सर्प का विष ही तो प्रयोग होता है। सर्प का विष अल्प मात्रा में उचित मात्रा में किया गया तो औषधि बन गया। उसी तरह से शराब न ज़्यादा पियो न कम पियो, विषय भोग न ज़्यादा करो न कम करो, तो ये जीवन अच्छा बीत जाएगा, कहने के लिए अच्छा है। थोड़ा भी आपने सेवन किया आपके अंदर तृष्णा तो पैदा हुई, ये तो जैसे आपने बीतक के प्रसंग में सुना है कि ये गोविंद भेड़ा का भूत मंडल है, जो तीसरा महात्मा था यानी जीव सृष्टि, गोविंद भेड़ा के भूत मंडल में से सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो गया और उसने छुआ, छूते ही उसको उस गोविंद भेड़े के समूह में शामिल होना पड़ा। उसी तरह से हमारे हृदय में थोड़ी भी यदि संसार के सुख की कामना रहती है तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारा हृदय अभी प्रीतम के प्रेम में पूरी तरह से डूबा नहीं है। आप इसको एक दृष्टांत से समझ लीजिए। अभी यहाँ ट्यूबलाइट यहाँ मंच पर प्रकाश पड़ रहा है, इस प्रकाश में कहीं अंधेरा तो नहीं है? सूर्य में कभी अंधेरा आपने देखा है? आपकी आत्मा जिस दिन प्रीतम के प्रेम में डूब जाएगी, आपके अंदर लौकिक सुखों की कोई तृष्णा नहीं रह जाएगी। यह संभव है, आपका मन संसार की तरफ भागना चाहेगा, मन की प्रवृत्ति है, लेकिन जो आपका निज स्वरूप है, आपकी आत्मा का जो अखंड स्वरूप है, संसार को देखना नहीं चाहेगा। जब अंतरात्मा से आवाज़ आने लगे कि संसार के सुख कुछ भी नहीं है, तो समझ लीजिए अब हम जागृति की तरफ बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा चुके हैं। नहीं सुते की ये जिमी जी, यह संसार सोने के लिए नहीं बनाए, जागने का ब्रह्मांड है। जागने के ब्रह्मांड में आपको जागृत होना है। यदि हम सोते रहेंगे, क्योंकि पहली चौपाई में क्या कहा गया है कि सो सो करके तुम क्या करोगे, ये सारा संसार विष भरा है। सोने का तात्पर्य हम संसार के सुखों में इतना डूब जाएं कि हम अपने आत्मस्वरूप से विमुख हो जाएं, हम स्वयं को जानना न चाहें। जैसे एक आम धारणा बन चुकी है आलस्यवाद का,
सुंदर साथ में एक चौपाई बहुत प्रचलित है, खाना पीना सोना ये मोमिन का काम, दुनिया करे बंदगी मोमिन करे आराम। दुनिया तो बंदगी करती है, शरीयत की बंदगी करती है, मोमिनों का आराम किस में है? खाना पीना खिन खिन लिया प्यार अरसरुहन, पल पल मासूक देखना यही आहार अस्कन। जो शरीयत की मानने वाली पुरानी कट्टरवादी पीढ़ी है, उसको यही पहले से शिक्षा मिली है, केवल पांच चौपाई का पाठ कर लो, सेवा पूजा कर लो, चरणामृत प्रसाद ले लो और इसी में जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। आप ये सोचिए, जब आप बच्चे थे तब तो आपको सिखाया गया तो ये ठीक है, अब आप 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, क्या 70 वर्ष की अवस्था में भी वही पांच चौपाई पढ़ते रहेंगे, चरणामृत प्रसाद लेते रहेंगे और क्या सेवा पूजा से ही जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होगा? सेवा पूजा तो बच्चों के लिए बनाई गई है। मैं ये नहीं कहता कि जो बड़े लोगों सेवा पूजा छोड़ दें, आप कीजिए, लेकिन जिसके नाम की सेवा पूजा कर रहे हैं उसको अपने हृदय मंदिर में कम से कम बसा तो लीजिए। प्रभु आश्रित जी महाराज एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, महात्मा हुए हैं, साधक हुए हैं। उन्होंने एक बहुत ऊंची बात कही है कि जो रात्रि को सोकर उठने के बाद खाने पीने में लग जाते हैं, उठते उठते ही, वो निकृष्ट स्तर के प्राणी हैं। जो उठने के पश्चात शरीर को स्वच्छ करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, इसलिए कि हम स्वस्थ रहें, वो रजोगुणी प्राणी हैं। और जो ध्यान के लिए स्नान वगैरह करते हैं, टहलते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो सत्वगुणी प्राणी हैं। लेकिन उठते ही किसी को देखे बिना, किसी से बोले बिना, किसी पदार्थ का रसस्वादन लिए बिना जो प्रियतम के प्रेम में डूब जाते हैं, ध्यान अवस्थित हो जाते हैं, वो संसार से सबसे अलग है और उनकी गति उच्च लोकों में होती है। आप सोचिए, कहने का से क्या है? जब आपकी आंखें बंद हो तो प्रियतम के प्रेम में बंद हो। कई बार मैं बाबा फरीद का कथन दोहरा चुका हूँ। बाबा फरीद एक जगह बैठे थे, कठोर साधना से उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। एक कौवा अचानक आ गया, उसको समझ आए कि लगता है ये कोई मरा हुआ व्यक्ति है, चोंच से मार मार कर उनके शरीर का मांस खाने लगा। बाबा फरीद कहते हैं कि कौवे, तू सारे शरीर का मांस खा ले, लेकिन मेरी दो आँखों को छोड़ देना, क्योंकि ये दोनों आँखें मेरे प्रीतम को देखने की प्यासी हैं। आप सोचिए, उस सूफी फकीर ने अपनी जिंदगी गुजारी है उस प्रीतम की यादों में। सुंदर साथ के लिए परमधाम की ब्रह्मवाणी आई है, हकीकत और मारिफत की राह पर चलने के लिए। जब तक वाणी का प्रकाश नहीं था, वाणी छपी नहीं थी, कुछ गोटे रखे रहते थे, सेवा पूजा के काम चल जाता था। आज से 50 साल पहले की बात है, जो बड़े बड़े विशिष्ट जन होते थे केवल उनको ही वाणी पढ़ने का अधिकार था। उस समय सुंदर साथ को राज्य पर ईमान करने के लिए कहा गया था कि भाई तारतम का पाठ कर लो, चरणामृत प्रसाद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज तो सारा संसाधन है, आपकी आत्मा जागृत कैसे होगी? सिंगार का चौथा प्रकरण है आत्म का फरामोशी से जागे का प्रकरण। आप देखिए, माया की नींद से यदि आप जागना चाहते हैं तो उस प्रकरण की कसौटी पर आपको स्वयं को कसना होगा। जब तक उस चौथे प्रकरण को आप हर कसौटी पर स्वयं को आप खरा सिद्ध नहीं कर देते, तब तक आपको जागृत नहीं कहा जा सकता। आपने तारतम वाणी का प्रकाश पा लिया, आपको राज्य पर अटूट आस्था हो गई, तो इसको सूता हुई सो जागियो केवल कहा जाएगा। जागा बैठा हुए कब कहा जाएगा? वाणी का ज्ञान आने के बाद आप अटूट ईमान, अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा के साथ राज्य पर समर्पित हो गए, ये जागा हुआ बैठा हो गया। और जब विरह के रस में आप डूबने लगे, राज्य की तरफ चितवनी की तरफ कदम बढ़ा दिए,
तो बैठा ठाड़ा हो ये हो गया, और ठाड़ा पांव भरी आगे सुई का तात्पर्य, अब आपके हृदय मंदिर में आपके प्राणेश्वर के एक एक अंग की छवि उभरने लगी है। जैसे राज्य के चरण कमल हैं, राज्य के चरण कमल को आप देखें तो आपको अपनी परात्म का भी चरण कमल दिखाई देगा, और आपकी आत्मा को भी अपनी अपने चरण कमल का आभास होगा। एक चीज सब सुंदर साथ में पूछता हूँ, आप सुंदर साथ को चितवनी कराई जाती है, आप देखिए परम धाम में तो सभी मूल मिलावे में बैठे, कोई हिल डुल नहीं सकता, एक उंगली भी घुसाने की जगह नहीं है, लेकिन जो परमहंस हैं उनकी लिखी हुई चर्चनी की वृत्तियों को पढ़िए तो एक एक चीज को उन्होंने नाप करके वर्णित किया है। युगलदास जी महाराज ने तो ये भी नाप कर बताया कि सिंहासन कितना ऊंचा है, जमीन से तखत जो बिछाया गया वो कितना ऊंचा है, सब कुछ नापा। मूल मिलावे का तो चलिए नाप ले लीजिए, हौज कोसर की नाप कैसे करेंगे, पुखराज की नाप कैसे करेंगे, मानिक पहाड़ की नाप कैसे करेंगे, क्योंकि मूल मिलावे में बैठे हैं। कहने का से क्या है, यहाँ कौन है जो आपके जीव में पर बैठकर इस खेल को देख रहा है। जो आत्मा का स्वरूप है वो परात्म का स्वरूप है, परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप ही है आपकी आत्मा। एक प्रश्न खड़ा होता है, मन को देखा नहीं जा सकता, संसार के किसी भी यंत्र से न मन को देखा जा सकता है, न बुद्धि की विवेचना से मन को जाना जा सकता है, समाधि अवस्था में देखा जा सकता है कि मन कैसा है। जीव को देखने की सामर्थ्य नहीं है किसी में भी, किसी भी वैज्ञानिक में यह सामर्थ्य नहीं है कि जीव के स्वरूप को देख सके। जीव से भी जो सूक्ष्म आत्म तत्व है, परात्म का प्रतिबिंब स्वरूप है, जिसमें परात्म का नख से सिख तक श्रृंगार है, वो कैसे देखा जा सकता है। हाँ, बौद्धिक तर्क के सहारे ये बातें समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि बौद्धिक तर्क के सहारे मन को भी नहीं माना जा सकता। आज पश्चिमी जगत मन और मस्तिष्क में कोई अंतर नहीं जानता, वो मस्तिष्क को ही मन कह देता है और कहीं कहीं मन को ही जीव कह देता है, विचारों को पता ही नहीं है। आपको तारतम्य वाणी का प्रकाश मिला है, राज्य के जिस अंग की शोभा आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसती जाएगी, आत्मा का वह अंग जागृत होता जाएगा। सागर ग्रंथ में यह बात दर्शाई गई है, पुराण स्वरूप ये तो श्रृंगार में है, कहा है जब युगल स्वरूप की छवि आपकी आत्मा के दिल में बस जाएगी तो तब आत्म पर आत्म के रहे न कछ अंतराय, अंतस्करण आत्म के जब ये रहे उस समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछ अंतराय। परात्म का जो स्वरूप है यहाँ आत्मा का स्वरूप, आत्मा का भी स्वरूप खड़ा हो गया। राज्य का जो अंग दिखा आपकी परात्म का भी वह अंग दिखा, और आपकी आत्मा को भी एहसास हुआ कि मेरा भी अंग वही है। आप स्वयं को मूल मिलावे में भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे, लेकिन मूल मिलावे वाले रूप में और इस रूप में कोई अंतर नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि यहाँ का रूप और मूल मिलावा वाला वही एक ही तो है। आप अपने सामने राज्य को भी देखेंगे, मूल मिलावे में भी स्वयं को देखेंगे, भेद नहीं कर पाएंगे, आप रहेंगे यहाँ के धरातल पर। जब यह स्थिति बन जाए, तीनों एक रूप में हो जाए, आपकी आत्मा, आपकी परात्म और आपका प्रियेश्वर, तो आप कह सकते हैं कि अब हमने वास्तविक रूप से अपनी जागनी कर ली है। इसके पहले आप सो रहे थे, गहरी निद्रा में या हल्की निद्रा में या सपने में। एक बच्चा जब गहरी निद्रा में होता है तो उस बेचारे को कुछ पता नहीं होता, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जब हमारे पास तारतम का प्रकाश नहीं था तो हम भी गहरी निद्रा में थे, हम भी सब पर सिर पटकते थे, चाहे शालिग्राम हो चाहे शंकर जी हो, जो भी मिलता था सबको खुश करना होता था, क्योंकि डर क्या रहता है कि उनको प्रणाम किया इनको नहीं करेंगे तो वो नाराज होकर कहीं नुकसान न कर दें। शंकर जी का मंदिर है, बगल में हनुमान जी का मंदिर है, तो शंकर जी को प्रणाम करेंगे तो डर तो रहेगा कि कहीं हनुमान जी रूठ न जाए।
बगल में देवी का मंदिर होगा तो डर रहेगा कि कहीं देवी नाराज हो गई तो क्या होगा, इसलिए सबको खुश कर लो। यही तो पौराणिक हिंदू समाज की कमजोरी है कि एक सच्चिदानंद परमात्मा पर उसकी निष्ठा ही नहीं है। आप सब सुंदर साधकों, परम धाम स्वलीला अद्वैत का ज्ञान मिला है। संसार के सभी देवी देवताओं से परे उठकर एक स्वलीला अद्वैत के प्रेम में डूबने के लिए आपको निर्देशित किया जा रहा है। अब आपका उत्तरदायित्व होता है कि इस विष भरे संसार से स्वयं को परे कर लें और यह जान जाएं कि वास्तव में हम कौन हैं। यह सोने की जगह नहीं है जिसमें आप सो रहे हैं। सोने का तात्पर्य क्या है? आप भले ही कहें कि हम तो 4 घंटे सोते हैं, लेकिन आप लाखों जन्म ले चुके हैं। आपका जीव, आपका तात्पर्य, आपकी आत्मा को मैं नहीं कह रहा हूँ। जब से ये पृथ्वी बनी है, सृष्टि बनी है, 13.6 अरब वर्षों से ये गैलेक्सी चल रही है, ये सृष्टि 13.6 अरब वर्षों से इस पृथ्वी पर जो सृष्टि का जो संबंध है, 1.96 अरब वर्षों से इस पृथ्वी पर जीवन चक्र चल रहा है। इसके पहले न जाने कितने पृथ्वियों में जीवन चक्र चल रहा होगा। आपका जीव इस पृथ्वी जैसी कितनी पृथ्वियों पर जन्म ले चुका होगा। आपका जीव कितनी बार शरीर धारण किया है, शरीर का परित्याग किया है, बेचारा खुद नहीं जान पाया कि वास्तव में वह है कौन। आज तारतम वाणी के प्रकाश में आप कह सकते हैं कि नहीं, मेरा घर तो ये सृष्टि है ही नहीं, मैं तो परम धाम की आत्मा हूँ और परम धाम के उसी भाव से मुझे अपने प्राणेश्वर को देखना है। यह तो एक माया का, तृष्णा का खेल है, जो दिख रहा है वास्तव में है नहीं। आप जाड़े के मौसम में उस समय टहलिए जब शीत पड़ी हो, सूरज उग रहा हो, शीत की हर बूंद में आपको सूरज दिखाई देगा और एक कवि की दृष्टि में तो ऐसा रहेगा कि मोती बिखरे पड़े हैं। पानी की बूंदों को आप कटोरे में इकट्ठा कर लेंगे कि मैंने मोती इकट्ठे किए हैं तो मोती तो होंगे नहीं। ये जरूर जरूर मान्यता है कि स्वाति नक्षत्र में शिव के अंदर बरसात, उस नक्षत्र का पानी गिर जाएगा बादल से तो मोती बन जाएगा। वैसे तो एक विदेश में एक व्यक्ति को जो पथरी हो गई थी तो पथरी मोती के रूप में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, मोती क्या है? एक चमकता हुआ पदार्थ है। चाहे पथरी पैदा होने वाले कैल्शियम से या शरीर के प्राकृतिक द्रव्यों से बने या सीप के मुख में पानी के पड़ने से बने, चमकता हुआ पदार्थ ही तो है, उसी का आकर्षण है। जैसे मेरी तृष्णा के जल में स्नान करने की कल्पना की जाती है, वैसे ही संसार में सुखों के पीछे भागकर सुखी होने की कल्पना की जाती है। ये बात कहने में मेरे लिए भी सरल है, आप सुनने में भी सरलता से सुख सुन रहे हैं, लेकिन आप बताइए, अभी चर्चा सुन करके आप जाएंगे, आपके कोमल गद्दे में कोई कमी आ जाए, पंखे की हवा में कमी आ जाए, तो वो सारा ज्ञान अधूरा हो जाता है, किसी का काम का नहीं होता। सुंदर साथ सब कुछ जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सुख सुविधाओं के पीछे लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे से बैर बांध लेते हैं, हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप अपने आत्मस्वरूप में स्थित नहीं हैं। जिस दिन हम आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे, हम सुख और आनंद की भी परिभाषा जान जाएंगे, संसार और परम धाम की भी वास्तविक परिभाषा जान जाएंगे, तब कह सकते हैं कि हम वास्तव में जागृत हुए हैं। आप जागृत होकर स्वयं को देखिए, क्या आप दुखी होंगे? अनंत सृष्टि का कर्ता अक्षर ब्रह्म जिस अक्षरातीत का दर्शन करना चाहता है, उस अक्षरातीत की प्राणेश्वरी प्रियात्मा इस नश्वर जगत में आकर अपने को असहाय मानती है, रोती है, बिलखती है, दुखों से पीछा छुड़ाना चाहती है, दुखों के संसार को अपना मान बैठती है, दुखों के संसार में सोती है कि मैं कैसे जिंदा रहूं। उसको तो अपने आत्मस्वरूप का बोध करना होगा कि मैं कौन हूं। मैं तो वो प्राणेश्वरी हूं जिसका प्राणेश्वर उसको रिझाने के लिए कहता है, तुम एक बार पुकारो, मैं 10 बार तुमको जी जी करूंगा। इसलिए आवश्यकता है स्वयं के स्वरूप को पहचानने की, अपना आत्मविश्वास जागृत करने की। अहंकार नहीं, आत्मविश्वास, अभिमान नहीं, स्वाभिमान।
आलस्य नहीं, पुरुषार्थ, और ऐसा पुरुषार्थ जो आत्म जागृति की तरफ हो। उस पुरुषार्थ में किसी तरह के दैहिक या लौकिक अहंकार की गंध नहीं होनी चाहिए। जब हम इस स्वर्ण पथ पर चलेंगे तो हम जागृत होकर के स्वयं को जान सकते हैं, अपने प्राणेश्वर को यथार्थ रूप में जाग सकते हैं, और तभी इस जागने लीला का वास्तविक आशय भी पूरा हो सकेगा। अन्यथा क्या है, हमारी उम्र बीतती जा रही है, एक एक करके प्रतिदिन का एक एक दिन बीतता जा रहा है। हम सोचते हैं आजकल जन्मदिन मनाने का बहुत बड़ा प्रचलन चल गया है। आप सोचिए किसका जन्मदिन मनाते हैं, बेचारे गृहस्थी तो मनाएं, आज बड़े बड़ी उपाधियों लिए हुए महात्मा लोग भी मना रहे हैं। सन्यासी के लिए कहीं जन्मदिन सोचा ही नहीं गया कि इस देश में सन्यासी भी कभी अपना जन्मदिन मनाएंगे, और सन्यासियों के जन्मदिन मनाने पर करोड़ों रुपये पानी की तरह उड़ा दिए जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। शरीर का जन्म, आत्मा के तो जन्मदिन हुआ नहीं, जीव का भी जन्मदिन हुआ नहीं, इस मिट्टी के पुतले का जन्मदिन मनाना और जन्मदिन के अवसर पर किस तरह से पानी में पैसे बहे जाते हैं, केक काटे जाते हैं, सुन करके हंसी होती है कि ये भारत है कि अमेरिका है। भारतवर्ष की धरती पर जिसमें कहा गया है कि वायु अनिलम अमृतम अथितम शरीरम भस्मांतम, जो नश्वर शरीर है उसका जन्मदिन मनाया जाता है। और कौन मनाते हैं, जो कहते हैं कि हम ही केवल जानते हैं कि परमात्मा कैसा है, हम ही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं, उनका समाज भी मनाता है। इसलिए सुंदर साथ को अपने आत्मस्वरूप की तरफ स्वयं को केंद्रित करना होगा, स्वयं समझना होगा कि वास्तव में हम कौन हैं, और जो हमारी आत्मा का स्वरूप है उसके अनुसार हमें कर्तव्य पथ पर उन्मुख होना होगा। आलस्य की चादर को हटाइए, अपनी आत्मा के धाम हृदय में देखिए। आपकी आत्मा के धाम हृदय में सारा परम धाम बसता है, भावात्मक रूप से आपका प्राणेश्वर बसता है, और आप उससे कभी अलग नहीं थे, लेकिन अलग होकर के स्वयं को देख रहे हैं, स्वयं को असहाय मान रहे हैं, स्वयं संसार के सुखों की खोज में आप अपने को दुखी मान रहे हैं। आप न सुखी हो सकते हैं न दुखी हो सकते हैं। जो आनंद का स्वरूप है, संसार का सुख उसको मोह में नहीं डाल सकता, और संसार का दुख उसको दुखी नहीं कर सकता। सुख दुख से तो वो डरे जो इस मोह सागर का हो। मैं इन सुख दुख से ना डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख, यह दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। और जब इस दृढ़ संकल्प पर आप स्वयं को खरा सिद्ध कर देंगे तो ऐसा होगा कि आपका प्रियतम मुस्कुराते हुए आपके सामने रहेगा। तब गिले शिकवे आप नहीं करेंगे कि हम आँख तो मूंदते हैं, राज्य आते ही नहीं। वो आएगा बेचारा कहाँ से, वो तो आपके अंदर बैठता है, आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए अपनी अंतर्दृष्टि खोलिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कभी लेट लेट कर परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? हाँ, बेचारे जिन्होंने सागर श्रृंगार को नहीं पढ़ा है उनके लिए जरूरी है, उनके लिए सब कुछ जरूरी है, चरणामृत प्रसाद भी जरूरी है, आरती भोग भी जरूरी है, सब कीजिए। लेकिन यह मत भूलिए कि जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है आपके लिए कर्तव्य कुछ और भी बढ़ रहा है। नर्सरी में जो पढ़ाया जाता है वही हाई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, और जो हाई स्कूल में पढ़ाया जाएगा वही विषय स्नातक में नहीं पढ़ाया जाएगा, पीएचडी में वो नहीं पढ़ाया जाएगा। आज सागर श्रृंगार का युग है। सुंदर साथ को अपने हृदय में अपने प्रीतम की छवि को अखंड ही करना होगा, तभी हम जागने के प्रमाण में कुछ संतोष की सांसें ले सकते हैं कि चलिए इस खेल में आने पर हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया। अब चुप है इधर। नहीं सुते की यह जिमी जी, जोर कर तुम जागो जीव जी, नहीं सुते की जिमी जी, ज्यो ज्यो सोइए त्यों त्यों बाढ़े बिख विस्तार, पीछे दुख पावे जीव आत्मी जी, पीछे दुख पावे जीव आत्मी जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।
श्री सद्गुरु महाराज की।